भी आपने देखा कि मंच पर हम लोगों ने क्या किया? कुछ समझ में आया कि हम लोग क्या कर रहे थे? नहीं समझ में आया? ठीक है, हम बताते हैं। अभी हम मंच पर आपको बिना बोले हुए कुछ आकृतियों के द्वारा कुछ चरित्रों को दिखाने की कोशिश कर रहे थे। यानी कि हमारा शरीर बहुत कुछ बोलकर आपको बताने की कोशिश कर रहा था। जैसे आप सौम्या, सौम्या तुम क्या बनी हुई थी? नृत्यांगना। फिर से बन के दिखाओ जरा। ये इस माध्यम से, इस आकृति से, इस तरह से ये एक नृत्यांगना के चरित्र को दिखाने की कोशिश कर रही है, यानी नृत्य का एक भाव लिए हुए। दूसरी तरह से अविरल तुम? जी मैं बॉलर बना। हाँ, उसे पुनः बन के बताओ जरा। ये इस तरह से अविरल एक खिलाड़ी की तरह, यानी कि बॉलर के रूप में अपने आप को प्रदर्शित करने की कोशिश कर रहा था। इसके शरीर के द्वारा बिना बोले हुए भी इस बात का आभास हो रहा था कि जैसे कोई खिलाड़ी खेलने जा रहा है, यानी कि बॉलिंग करने जा रहा है। इसी तरह से हम लोग मंच के ऊपर जब भी खड़े होते हैं तो हमें इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि जब हम कुछ भी मंच पर नहीं बोल रहे होते हैं तब भी हमारा शरीर बहुत कुछ कह रहा होता है, बहुत कुछ बोल रहा होता है। और हमें इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि हमें किस तरह से मंच पर खड़े होना है, किस तरह से मंच पर बैठना है, किस तरह से मंच पर चलना है और मुड़ना है। अगर हम इन बातों का ध्यान में नहीं रखेंगे तो हमारे जो भाव हैं मंच पर, जो हम भाव प्रदर्शित करना चाहते हैं, जो अभिनय करना चाहते हैं, जो भी चरित्र करना चाहते हैं, वो हम मंच पर प्रदर्शित नहीं कर सकते। मंच पर बोलने के अलावा भी हमारा शरीर मंच पर अभिनय करता है। वो किस तरह से करता है? जबकि कोई एक अभिनेता बोल रहा हो और दो अभिनेता उसको सुन रहे हैं तो उनके खड़े होने के अंदाज में वो पूरा पूरा इस बात का आभास हो जाता है कि ये चरित्र किस तरह का चरित्र है, कैसे बात कर रहा है। इसी तरह से हम शरीर के माध्यम से बहुत सारी भावों को प्रदर्शित करते हैं। जैसे उदाहरण के तौर पर अविरल तुम कुछ आकृति बनकर दिखाओ। ये सौम्या, अब देखो जरा इसको, ये क्या लग रहा है, ये क्या प्रदर्शित करना चाहता है? ये एक पुलिस ऑफिसर, कोई सिपाही लग रहा है। सिपाही? हाँ, यानी कि ये पुलिस ऑफिसर लग रहा है या सिपाही लग रहा है, ये बताओ। ध्यान से देख के तो ये सिपाही लग रहा है, क्योंकि सिपाही इस टाइप से खड़े होते हैं। हाँ, किस तरह से खड़े होते हैं, मतलब इस तरह से सिपाही खड़े, यानी ठीक है। यानी कि सौम्या का कहना है कि ये जो सिपाही की मुद्रा में लग रहा है, यानी इसे लगा कि सिपाही जो है कि सैल्यूट करता हुआ सिपाही, जैसे कि यूं एक सिपाही की मुद्रा में ये ऐसे खड़ा हुआ है, इसलिए इसने बिना बोले हुए ये प्रदर्शित कर दिया कि ये एक सिपाही है। इसी तरह से हमारा शरीर पूरे मंच पर कुछ ना कुछ अपने भाव, अपना चरित्र प्रदर्शित करता रहता है। दूसरी तरह से सौम्या, अब तुम हमें कुछ बनकर दिखो। अब बताओ तुम, अब तुम बताओ अब्रिल कि ये क्या प्रदर्शित करना चाहती है, इससे तुम्हें क्या लग रहा है, ये क्या कर रही है? ये लग रहा है कि ये नमाज पढ़ रही है। नमाज पढ़ रही है, बिल्कुल ऐसा सही लग रहा है। नमाज के लिए थोड़ा सा ऐसा होता है सौम्या, थोड़ा सा आपको हाथ और आगे ऐसे दोनों पैर ऐसे करके, ठीक है, इस तरह से रखे आपको, थोड़ा सा मुंह के पास हाथ नहीं होंगे, उसके लिए थोड़ा सा आगे आपको हाथ रखने पड़ेंगे और ऐसे, ठीक है, थोड़ा दूर रखे और ऊपर खुदा की तरफ, हम खुदा के लिए नमाज पढ़ते हैं ना, तो खुदा के लिए थोड़ा सा हाथ ऐसे रखे ऐसे। तो इस तरह से यदि हम मंच पर अपना शारीरिक रूप से संकेत देते हैं तो ये हमारा संकेत हो जाता है जैसे कोई नमाज पढ़ रहा है, यानी कोई मुस्लिम महिला जो है वो खुदा को याद कर रही है, ये इस तरह के भाव प्रदर्शित करने लगता है। और भी इस तरह से बहुत सारी बातें हैं। जब हम कुछ मंच पर नहीं बोल रहे होते तो हमारा शरीर बोल रहा होता है, वो अपनी बात कहता है, उसकी एक अपनी भाषा होती है और उसकी बात करने का तरीका बिल्कुल अलग होता है। अब कुछ दूसरे तरह का तुम कुछ और आकृति बनाओ ताकि हम देखें तुम क्या बनाना चाहते हो। हाँ, अब सब मैं, तुम बताओ अब ये क्या प्रदर्शित कर रहे हैं? ये लग रहा है जैसे कि कुछ भारी
जी जैसे वेट लिफ्टिंग होती है वो कर रहे हैं। हाँ तो ये वेट लिफ्टिंग। हाँ। आप बताओ अवरील, ये आप क्या से प्रदर्शित करना चाहते हैं? जी मैं पहलवान प्रदर्शित करना चाहता हूँ। किस तरह का पहलवान? जी अपने भुजाओं को दिखाते हुए। भुजाओं को दिखा रहे हैं या इस समय आप पहलवानी कर रहे हैं या भुजाओं को दिखा रहे हैं ये बताइए। जी मैं अपनी पहलवानी कर रहा हूँ। पहलवानी कर रहे हैं यानी आपके हाथ में कुछ है ऐसा? जी नहीं। पहलवान नहीं यानी कि आप सिर्फ अपनी भुजाओं से ये प्रदर्शित करना चाहते हैं कि हम पहलवान। जी आपने इसको ऐसा लग रहा था कि खाली भुजाओं से एस्टेब्लिश कर रहे हैं, बताना चाहते हैं कि हम पहलवान हैं? थोड़ा लेकिन ऐसा ज्यादा लग रहा था कि वेट लिफ्टिंग कर रहे हैं। वेट लिफ्टिंग कर रहे हैं लग रहा था ऐसा। वेट लिफ्टिंग में क्या आता है, इसमें थोड़ा सा और इसको क्लियर करना पड़ेगा। इसको जैसे वेट लिफ्टिंग के लिए क्या होता है, हम किसी वजन को उठाते हैं तो वजन को उठाइए। हाँ उसके लिए हमें थोड़ा सा पैर चौड़े करने पड़ेंगे और ऐसे वजन उठा के जब हम ऊपर लाते हैं तो वजन को महसूस करते हुए ऊपर लाइए। हाँ और खड़े होइए, खड़े होइए और थोड़ा, हाँ ये आप फिक्स हो जाइए, आप फ्रीज हो जाइए। तो अब इतना वजन देखिए, थोड़ा सा बॉडी में वजन जो है घुटने थोड़े से मुड़े होने चाहिए ना, और वजन थोड़ा सा महसूस करिए कंधे और चेहरे पे थोड़े भाव, तब जाके ये लेग महसूस होगा कि ये हमारा वेट लिफ्टिंग का। थोड़ा सा भाव को थोड़ा बदलना पड़ेगा, ठीक है? इस तरह से हम वेट लिफ्ट को ऐसे, ठीक ठीक है समझ। तो और अब कुछ और आकृति बन के बताओ हमें। थोड़ा और इसको क्लियर करो ये। हाँ सौम्य थोड़ा सा इधर, थोड़ा सा इधर। हाँ सौम्य जरा सामने से देखो, देख के बताओ जरा ये क्या बन, ये क्या कर रहे हैं? खाली खाली रहो, खाली खाली रहो बेटा। ऐसा लग रहा है जैसे ये कुछ कैमरा यहाँ पे कंधे पे पकड़े हुए हैं। कैमरा कंधे पे पकड़ा हुआ है तो ऐसा कैमरा क्या महसूस कर रहा है क्या? अच्छा अवरील ये तुम आप बताइए कि अब आप ये इससे क्या महसूस करना है? जी मैं कैमरामैन बना था। कैमरामैन कौन सा कैमरामैन? जी जो शादी आदि में रिकॉर्ड करते हैं। हाँ यानी कि मूवी कैमरा लेकर एक वो कैमरामैन की हैसियत से जैसे उस वो मंच पर ये प्रदर्शित करना चाहते हैं अपने शरीर के माध्यम से कि उन्होंने कंधे पर कैमरा रखा हुआ है। सौम्या तुम हमें कुछ नई आकृति बन के लिए चरखा चलाती है, कुछ भी सोच के। हाँ ठीक, अब ऐसा आपको लग रहा है कि योग की अवस्था में कोई तपस्वी, कोई तपस्वी, ठीक है? अब इसको दूसरी तरह से चेंज करो सौम्य। हाँ कुछ और आकृति चेंज करो। हाँ सामने देख, सामने देख, ठीक ठीक। अब इसको ऐसे इसी तरह से रुक जाओ, ठीक। अब बताओ अब इससे क्या प्रदर्शित हो रहा है, ये क्या कर रही है, कुछ बता सकते हैं? कैसा लग रहा है, क्या करना चाह रही है? ये चरखा चला रही है। चरखा, चरखा, चरखे के लिए आपको सामने थोड़ा सा और क्लियर करना पड़ेगा, ठीक है? जैसे आप ऐसे बैठिए, चरखे में आपने ऐसी पंथी मारी है, ठीक है? और ऐसे उसके लिए रुई के लिए जो होता है रुई इधर से पकड़ी जाती है और चरखा चलाने के लिए थोड़ा हाथ आपको ऐसे, ठीक है? वो उसका गोल जो हैंडल होता है चरखे का उसको ऐसे पकड़ के, तो थोड़ा सा ऊपर नीचे का डिफरेंस। और देखेंगे कहाँ पे, देखने के लिए आपको रुई की तरफ, आपकी निगाह जो है वो रुई की तरफ होना चाहिए ताकि वो सूत कितना पतला हो रहा है चरखे में या मोटा हो रहा है या टूट तो नहीं गया, तो हमारा मुंह जो है इस तरफ होना चाहिए, तब ये पूरा भाव आपका प्रदर्शित होगा कि आप चरखा चला रहे हैं, ठीक है? इसी तरह से हम अपने शरीर से बहुत सारी चीजें, बहुत सी आकृतियां, बहुत सी बातें कर जाते हैं, जैसे कि बांसुरी बजाना, गायक, जैसे कोई गायक गा रहा है तो उसको भी प्रदर्शित कर सकते हैं। अब आपने देखा और समझ गए होंगे कि हमें अपने शरीर का किस तरह से मंच पर इस्तेमाल करने के लिए सावधानी को ध्यानपूर्वक रखना चाहिए। अगर हम जरा से भी सावधानी ना रखेंगे तो उसका अर्थ बदल जाएगा और हम अपने सही भावों को प्रदर्शित नहीं कर पाएंगे।